not. माफी चाहता हूँ मैं तो आप बोलना भूल गया खासकर सिटीजन बिल्डर्स के असलम साहब का और उनके इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गोपी साहब का मैं मस्जिद कमेटिया की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी जो दाव रही है अगर हमसे कुछ गुस्ताखी हुई हो तो असलम साहब और गोपी साहब जाके भी हो तो हम तहे दिल से इस कमेटी की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह उनके हर वो चीज़ कामयाब करता है आमीन के मौके से बयान में जो बातें आई थी उसमें से खुलासे के तौर पर कि हकीकी ईमान वाला बनना चाहिए और हकीकी ईमान वाले की अलामत ये है कि जब कभी अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिल तरोताज़ा होते हैं और दूसरी अलामत ये है कि कुरान मजीद की ईमान वाले तिलावत करते रहते हैं उससे उनके ईमान में इजाफ़ा होता है और ईमान वाले की अलामत ये भी है कि हर काम में अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं और ईमान वाले की एक अलामत ये है कि नमाज़ों की पाबंदी करते हैं मुसलमान नमाज़ों की अगर पाबंदी करने लगे तो इंशाअल्लाह मुसलमानों के सारे मसाइल अल्लाह ताला हल फरमाएंगे और ईमान वाले की पांचवी अलामत ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने माल दिया है उसमें से अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च करते रहते हैं ऐसे ईमान वालों को अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और सुरखरुई देने का वादा फरमाया मैं तमाम सामीन इकराम से दरख्वास्त करता हूँ कि हकीकी ईमान वाले बनने की फ़िक्र करें और उसमें इन अलामतों को ख़ास तौर पर जहन में रखें नमाज़ों की पाबंदी बहरहाल ज़रूरी है नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और नमाज न पढ़ने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं एक लाइन खास करके जो नौजवान तखवा है
आजकल के आप देख रहे हैं माहौल, उस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो ऐसे नौजवानों को आप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजकल जो हादसे होते जा रहे हैं उसके अलावा दूसरे भी कई ऐसे वाकई हो रहे हैं, तो ख़ास करके माँ बाप के साथ साथ नौजवानों के भी लिए? नौजवानों से मेरी ख़ास तौर पर दरख्वास्त है, अगर माँ बाप मौजूद हैं तो यूँ समझ लें सबसे बड़ी दौलत अपने पास मौजूद है। माँ बाप की जितनी कदर करें, जितनी खिदमत करेंगे, अल्लाह ताला उसके बड़े फ़ायदे रखे हैं। इसलिए अल्लाह ताला को खुश करने के लिए माँ बाप की खिदमत करें। अगर माँ बाप नहीं हैं तो फिर माँ बाप के हक़ में दुआएँ करते रहें और अपने आप को हकीकी मोमिन बनाने के लिए, दीनदार बनाने के लिए उलमा से और हाफिज़ों से दोस्ती करें और फिर रोज़ाना दीन सीखने का एहतमाम करें। दीन सीखना बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला की तौफीक से मैंने जो भी मस्जिद का काम किया हूँ ये मेरे मरहूमीन वालिद वालदा और मेरे रिश्तेदारों को उसका अजर मिले। आमीन। थोड़ा जोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद गौसिया चस्ट हॉस्पिटल रनवा पैलेस के कमेटी के जानिब से मैं मौलाना मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज हमको उनके साथ यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का तौफीक मिला, और साथ ही साथ ईमान वाले बड़े भाई मेरे जो इस मस्जिद को इतना अच्छा रिनोवेशन करे, बड़े भाई जनाब वली मोहम्मद साहब का मैं हॉस्पिटल के तरफ से और यहाँ के मुसलियों की तरफ से बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह टीवी 11 की मीडिया के ज़रिए मैं हमारे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल को मेहरबानी करके यहाँ से शिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल जो है हकीकत में यहाँ के पूरे स्टेट में जितने टीबी से मुख्तसिब पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हीं का इलाज यहाँ हो रहा जा रहा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल हटाया जा रहा। मैं आज इस मौके पर इतने बड़े लोगों के बीच में से मैं CM साहब को अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल को बरकरार यहीं पर रखिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये मस्जिद का नूरानी मंजर जी, आज ये नूरानी मंजर और ये पुरमसरत की घड़ियाँ देख करके बहुत दिल बाग बाग हो रहा है। और क्यों ना हो, जबकि हमारे लिए वली मोहम्मद साहब ने जो बिल्कुल बेदारी का जज्बा और खुसूसी तौर पर जो दिलेरी और शजाअत का जो दरबा बतलाते हुए जो हमारे लिए खिदमत का मौका फराहम किया है और हमारी मस्जिद को गोया जो रौनक बख्शी है, हम किसी सूरत में भी उनका हक अदा नहीं कर सकते। अलबत्ता ज़रूर उनके लिए हम दुआ और खुसूसी तौर पर उनके वालिदैन की मगफिरत के लिए हम हमेशा कुशादा दिली से और दिली जज्बे के तहत उनके लिए हर नमाजों में इंशाअल्लाह दुआएं ज़रूर करेंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला उनके वालिदैन की मगफिरत फरमाए। आमीन। हमारे साबिक सदर साहब ताजुद्दीन साहब, सब लोग जो है वली मोहम्मद साहब का जज्बा लिए हैं। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त एस्बेस्टस की मस्जिद थी उस वक्त भी जो है वली मोहम्मद साहब का तआवुन रहा। RCC की मस्जिद जो गली नी की जो है सो तआवुन से गली थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो रिनोवेशन हुआ है वो भी उन्हीं की वजह से हुआ है। अल्लाह ताला जो है उनके माँ बाप और उनके खानदान फरमाए और हमें जिंदा है। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तेलंगाना की तरफ से हमारे सराउंडिंग में वेंकटराव नगर डिवीज़न में ये मस्जिद आती है, और हमारे गोपीनाथ MLA साहब भी वादा करें कि बाजोगीच AP GST का इम्प्लाइज की तरफ से भी वहाँ पर भी कोशिश करी जा रही है। वजू खाना और ताहरत खाना भी वहाँ पर देने का वादा किए और वहाँ पर भी आगे चल के अच्छी वहाँ पर भी तामीर हुई है। सदर साहब से जी। अस्सलाम वालेकुम साहब,
میں اس مسجد کا صدر مقرر کیا گیا ہوں. مساجد کا نام اور علاقہ؟ مسجد غوثیہ اندرون جسٹ ہاسپٹل ٹی بی ہاسپٹل میں واقع ہے. اور تمام لوگوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور جنہوں نے یہ مسجد کو شاندار اور خوبصورت جو بنا ہے, جناب ولی محمد صاحب جن کا پوری پوری دلچسپی سے جو اہتمام کیا گیا اور بہت سے ان کی بہت کارنامے ہیں, ان کا سب سے شکر گزار ہوں اور یہاں کے تمام مسلموں کا شکر گزار ہوں اور کمیٹی کی طرف سے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک صاحب بھائی کا بات دعاؤں کی شکریہ.